हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं हैदराबादी दम बिरयानी। तो इसकी रेसिपी के लिए चाहिए 1.5 किलो मैंने चिकन लिए है, इसके अंदर नमक डाली, हल्दी डाली और दही डाली, ये सबको मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे। अब बिरयानी के मसाले के लिए चाहिए बिरिस्ता, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, बटाटा, टमाटर, गरम मसाला, ये पूरा सब मिक्स गरम मसाला है, पुदीना, कोथमीर और नींबू डालेंगे हम लोग। ये हो गया बिरयानी का मसाला। तो अभी हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये पूरा इसमें नमक, हल्दी और दही पूरा मिक्स करके हम लोग ने अभी रख दिए कि जब तक मैरिनेट होगा हम लोग अभी मसाला बनाएंगे बिरयानी। हम लोग ने कुक रख दिए तेल गर्म करने के लिए। ये वही तेल है जिसमें मैंने बिरिस्ता फ्राई करी थी, 1.5 किलो तेल ले लिए मैंने, और 1 किलो चावल है, 1.5 किलो चिकन है, उस हिसाब से मैंने 1.5 किलो तेल ले लिए। अभी हम लोग इसमें डालेंगे गर्म मसाला, ये सॉरी हरा मसाला, बिस्मिल्लाह। थोड़ी देर तक भूनेंगे हम। तो अभी थोड़ा सा हरा मसाला पक गया, तेल भी अलग हो गया, अभी हम लोग डालेंगे गरम मसाला। अभी गरम मसाला कितना चम्मच ले ली मैं आपको चम्मच के हिसाब से बता के, तो मैंने ये ले ली 5 चम्मच गरम मसाला। अभी हम लोग इसको अच्छे से भूनेंगे, दो से भूने चलो का गरम मसाला हरा मसाला दोनों भूने गए हैं। अभी हम लोग डालेंगे टमाटर आधा किलो, हम इस पत्ते को भूनेंगे। तो अभी हम लोग का मसाला नीचे हो गया, टमाटर भी गल गया, अभी हम लोग इसमें डालेंगे चिकन दल। इसी पे हम लोग डाल देंगे बटाटा आधा किलो ले लीजिए, फिर डालेंगे 1 कटोरी पुदीना, 1 कटोरी धनिया, ये सब भोग के रख पाती मैंने इसी में। इसमें डालेंगे हम लोग इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मेरे चिकन मैरिनेट करने के टाइम पे भी मैंने नमक डाली थी ना। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। तो अभी इसको पूरा मिक्स कर दी मैंने, अभी हम लोग इसको ढक के 15 मिनट तक फास्ट गैस पे रखेंगे। हम लोग चावल भगा देंगे, ये मैंने बासमती चावल ले लिए। चावल भगाने के लिए चाहिए तेज पत्ता, जीरा और शाह जीरा दोनों, इसमें 1 चक्रफूल, 3 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। हम लोग 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो अभी तेल गर्म हो गया, तभी हम लोग ये मसाला डालेंगे। हम लोग डालेंगे पानी, हम लोग के है 1 किलो चावल 4 गिलास, तो हम लोग उसका डबल पानी डालेंगे 8 गिलास। अभी हम लोग ने इसमें 8 गिलास पानी डाल दिए और इसको उबालेंगे और इसमें भी नमक भी डाल देंगे। तो अभी हम लोग नमक डालेंगे इसमें, तो मैं मेरे हिसाब से डाली, आप अपने हिसाब से डालना, आप जैसे खाते हैं। और इसको बॉईल आने के लग
अभी 15 मिनट हो गया, मैंने ढक्कन हटा दिया। अभी हम लोग डालेंगे रिश्ता। ये 1.5 किलो का रिश्ता। अभी हम लोग डालेंगे नींबू, ये 2 नींबू। अच्छे से मिक्स कर तो अभी हम लोग इसको आधा घंटा स्लो आंच पे पकन देंगे, और बीच बीच में हिलाते रहना, नहीं तो फिर ना नीचे लग भी जाएगा। आधे घंटे तक स्लो आंच पे भी हम लोग इसको ढाके के खुला पकाएंगे आधे घंटे। चावल का पानी बॉईल हो गया अच्छे से। हम लोग छाछ डालेंगे इसमें, 1 बड़ा नींबू का रस, जिससे चावल मोकले पकते, खिले मोकले। और अभी चावल धो के रखी थी, वो भी डाल दूंगा। अरे बिस्मिल्लाह, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे देखो हम लोग का मस्त में तेल भी सब आ गया, मस्त हो गया। अभी 1-2 मिनट इसको और पकाऊंगी मैं, मिलते बाद में। तो अभी हम लोग का मसाला एकदम परफेक्ट पूरी तरह से पक गया। अभी हम लोग गैस बंद करेंगे, और अभी इस पे का थोड़ा सा मैं तेल निकाल दूंगी बिरयानी के ऊपर डालने के लिए, दिखाती हूँ आपको। तो मैंने अभी इसमें से थोड़ा सा 1 कटोरी तेल निकाली, वो मैं ऊपर डालूंगी। जब चावल डालूंगी ना इसके ऊपर, तभी ऊपर डालूंगी इसके। और इधर बाजू अभी तक चावल हुए के दिखते, नहीं हुए अभी ये बाकी के। अभी चावल बिवल पक जाएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पानी सूख गया, अभी हम लोग इसको 80% तक पकाएंगे। अभी थोड़ा सा इसको दम पे रख देती हूँ। तो हम लोग का चावल अभी पक गया 80% तक पकता था। अभी हम लोग इसके ऊपर मसाले के ऊपर चावल डालेंगे। हम लोग इसमें मसाला डालेंगे, मसाले में चावल डालेंगे। देखो चावल भी कितने अच्छे मस्त खिले लंबे हुए चावल, दिख रहे कि नहीं था बॉस, मस्त खिले लंबे चावल। हम लोग सब इसको इसमें अच्छे से ऊपर डाल देंगे मसाले के। हम लोग ने सब चावल इसके ऊपर डाल दिए, अभी हम लोग इसको डालेंगे तेल। पहले मैं तेल डालूंगी जो बिरयानी का ही निकाल लूंगा। फूड कलर हम लोग इस पे डालेंगे, ये असली घी को क्या बोलते हैं, असली घी देसी घी क्या बोलते हैं, वो डालेंगे। फिर हम लोग इसमें जो ब्रिस्ता मैंने थोड़ा सा निकाल के रखी थी, वो ब्रिस्ता डालेंगे हम लोग इसमें। तो हम लोग इसको स्लो आंच पे 5-7 मिनट तक रखेंगे, सिर्फ भाप आए तक। फिर इसके ऊपर हम लोग कोयले की भाप देंगे। पहले इसको 7-8 मिनट तक ढक के रख देने का। तो हो गए अभी 5-7 मिनट, अभी हम लोग ढक्कन हटा के रखेंगे। भाप आ गई, मस्त हो गया चावल भी। अभी हम लोग इसे कोयले का भाप देंगे। इधर कोयला गर्म के लिए रखी थी मैंने, तो अभी हम लोग ने कोयला डाल दिया। अभी इसके ऊपर हम लोग ये घी डाल देंगे, घी बटर जो आपको डालने का डाल देंगे। और इस पे का ढक के 15 मिनट छोड़ देने का, गैस बंद कर देने का, एकदम अच्छे से ढक के रख देने का। तैयार हो गई हमारी
हैदराबादी दम बिरयानी। तो मैं भी प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तैयार है हमारी बिरयानी। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करना, बताना मुझे कैसी बनी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।